हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल आई एम आरती कुशवाहा। उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं आई हूं अपने हेयर्स हाईलाइट करवाने और एकदम अचानक से प्लान बना था यार, मतलब बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था। एंड अभी मैं हूं मेकओवर बंटी के हामीज पार्लर। ओके हाय। तो ये हैं बंटी जी जो कि ओनर हैं यहाँ के। एंड एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ करवाने एंड आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। उम्मीद करूंगी अच्छा रहेगा, बेस्ट ही मिलेगा आपको। हमारे यहाँ का वर्क जो है वो गुड वर्क मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फेस जो भी आपकी पर्सनालिटी पे सूट करेगा, हेयर कलर वगैरह वो टेक्निक वाइज भी आपको बहुत अच्छी टेक्निक मिलेगी। वाल्याश है, लो लाइट है, उम्रे, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये जो 13 शेड है ना, 13 शेड एक रेगुलर शेड है ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही रहता है। किसी का फेयर या किसी का नॉर्मल या किसी का ब्राइट टोन है। फाइनली कम्प्लीटेड और कुछ इस टाइप से मैंने ये करवाया है। शेड सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बट आई गेस अच्छा लग रहा है। फाइनली आई एम बैक टू होम और एक दिन बिता लिया है मैंने घर में। उसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ बिकॉज बिजी हो गई थी यार, टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये देख सकते हो हेयर्स मेरे अभी कुछ इस टाइप से हैं। एंड जब वो हीट यूज कर रहे थे ना कर्ल थोड़ा बनाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी बिकॉज हीट मेरे हेयर्स के लिए सही नहीं है क्योंकि मेरे हेयर्स थिक नहीं है, थिन से हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, मतलब थिन है। और हीट यूज़ करूँगी तो थोड़े कमज़ोर जल्दी हो जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। बट उतना तो अभी नहीं हो रहा ऐसा कुछ कि झड़ रहे हूँ मेरे बाल, अभी तो सब ठीक है। और बहुत मुश्किलों के बाद मैंने ये शेड डिसाइड किया। मैंने उनसे पूछा भी था कि कौन सा शेड सही रहेगा, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि ये वगैरह, बट स्टिल उनका लास्ट चीज यही था कि आप बताइए आपको जो करवाना हो। तो मैंने ये डिसाइड किया। एंड यू नो अभी मैं क्या फील कर रही हूँ, कल तो सही लग रहा था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसकी जगह थोड़ा सा और लाइट शेड मुझे सिलेक्ट करना था आई गेस, क्योंकि मेरे ना हेयर्स में ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है पर दिन के टाइम काफी अच्छे से दिखाई देता है। बट स्टिल एंड मैंने काफी नीचे से करवाया था बिकॉज एक चीज मैंने अपने माइंड में रखी थी कि अगर अच्छा नहीं होना तो मैं कट कर दूंगी, पर नहीं यार अच्छे लग रहे थे। अगली बार से कभी भी अगर करवाती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर से करवाऊंगी ताकि जो हाईलाइट करवाया वो अच्छे से विजिबल हो। बट स्टिल आई एम हैप्पी, मुझे सही लग रहा है यार। ठीक है कितना माइंड करना है यार, कुछ महीने रहना है फिर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज खत्म करते हैं एंड आपको कैसा क्या लगा प्लीज मुझे बताइएगा। एंड मैंने सोचा कि चलो यार मैं जा रही हूँ हेयर्स हाईलाइट करवाने, तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ। मैं तो पार्लर में कभी नहीं गई जिंदगी में, सही में पार्लर में कभी जिंदगी में नहीं गई हूँ। ये मेरा पहला टाइम था और पहले टाइम मैं गई और जाके मैंने अपने हेयर्स हाईलाइट करवा लिए बिकॉज ऑफ यू गाइज। मतलब इतने अच्छे से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप जितना ज्यादा सपोर्ट करते हो
अल्टीमेटली मैं उतना ज्यादा अर्न करती हूँ, सिंपल सी बात है। एंड जब मैं अर्न करती हूँ ना, तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे ये चीज करनी है तो हाँ, मेरे पास खुद के पैसे हैं, वो चीज मैं कर सकती हूँ, तो वो चीज आप ही से होती है। अगर मैं कोई चीज अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रही हूँ, स्टैंडर्ड चीजों को फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ यू ओनली गाइज, बिकॉज ऑफ यू ओनली, सही बता रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सपोर्ट करते हो तो अर्निंग ज्यादा होती है। एक और मेन चीज है जो कि है मेरी मेहनत। पीछे मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तभी सामने जाके ऐसी वीडियोस आती हैं, एंड उसके बाद आप लोग सपोर्ट करते हो, एंड वीडियोस कुछ वायरल होती है, जाती है, लोग और करेक्ट होते हैं, और ज्यादा जो अर्निंग है वो बढ़ती है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एंड सारी चीजें एक जगह पे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो भी सही चीजें मैं आजकल कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ यू ओनली गाइज। सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूंगी वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।